नमस्कार, जन सरोकार मंच टोंक के साहित्यिक कार्यक्रम में आज हम बिहार के डेहरी ऑनसोन शहर के सुपरिचित कवि कुमार बिंदु जी का साक्षात्कार प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत खुशी की बात है कि आज स्टूडियो में कुमार बिंदु जी हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार बिंदु जी, आपका सादर अभिवादन। नमस्कार राजीव जी, और जनो सरकार मंच से जुड़े हुए तमाम जो हमारे आज के दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनको भी नमन। सबसे पहले तो मैं आभार भी प्रकट करना चाहूँगा इस जनो सरकार मंच को, जिन्होंने आज साक्षात्कार के लिए मेरा चयन किया है, और आपके प्रति भी आभार बहुत बहुत। कुमार बिंदु जी, आप जी। लंबे समय से कविता और साहित्य के संसार से जुड़े रहे हैं और प्रगतिशील लेखक संघ से आपका जो जुड़ाव है वो बहुत ही एक आत्मीय लगाव रहा है आपका इस संस्था के प्रति, इस संगठन के प्रति। तो थोड़ा अतीत की जो स्मृतियां हैं उनको कुरूदते हुए आप साहित्य से आपका जो जुड़ाव कायम हुआ डेहरी ऑनसोन शहर में कविता लेखन से, तो इन सब के बारे में हम लोगों को बताएं। जी, काव्य असल सच कहा जाए कि मुझे तो संगीत से गहरा लगाव रहा बचपन से, और संगीत के कारण ही स्नेह में जो है वो गीतों की ओर, लेखन की ओर मुखातिब हुआ। और पहले तो प्रेम कविताएं और प्रेम गीत वगैरह ही कुछ लिखते रहा, वो जब मैं पढ़ रहा था, वो हाई स्कूल का छात्र था तभी से। उसके बाद मैं जेपी मूवमेंट से जुड़ा, उसके बाद जेपी मूवमेंट के बाद संपर्क हो गया श्रीलखन संघ और इप्टा के मित्रों से, इप्टा से मेरा जुड़ा हुआ, फिर श्रीलखन संघ के साथियों से भी जुड़ा हुआ। उसके बाद जो मेरी कविता की जो भाव भंगिमा थी, जो धारा थी, वो बदल सी गई। 1981 में डेहरी में हम लोगों ने, डेहरी के कई मित्रों ने जो साहित्यिक मित्र थे, वो प्रगतिशील लेखक संघ का हम लोगों ने गठन किया, और 1982 में 15 अप्रैल को प्रथम जिला स्तरीय सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में उर्दू के प्रख्यात शायर कैफी आजमी आए, डॉक्टर खगेन ठाकुर, डॉक्टर सुरेंद्र चौधरी, सशस्त कवि अरुण कमल, मगही के लब्ध प्रतिष्ठ कवि मथुरा प्रसाद नवीन। मतलब ये खास बात ये रही कि उस सम्मेलन में हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, मगही, भिन्न भिन्न जो भाषाएं हैं उन भाषाओं से जुड़े हुए कवि लेखक शामिल हुए। प्रति परिकथा के जो संपादक हैं शंकर, उसमें और पत्रिका निकालते थे, वो भी शामिल हुए। नर्मदेश्वर जी बड़े अच्छे कथाकार हैं, वो भी शामिल हुए उस सम्मेलन में। और कैफी आजमी साहब की अध्यक्षता में, सदारत में एक ऑल इंडिया मुशायरा भी हुआ, उसमें हिंदी और उर्दू के, भोजपुरी के, मगही के सभी लोगों ने काव्य पाठ किया। उसके बाद लगातार वो ये सिलसिला जारी रहा। बाबा नागार्जुन भी आए, भीष्म साहनी आए, मतलब हिंदू अब्दुल बिस्मिल्लाह है। लगातार जो है कुछ ना कुछ कार्यक्रम हम लोग गोष्ठी करते रहे भिन्न भिन्न मुद्दे पे, और एक डेहरी ऑनसन में एक बड़ा ही एक अच्छा साहित्यिक माहौल बन गया था। ये आलम यह था कि हर गोष्ठी में श्रोता के रूप में कम से कम 400-500 लोग जुटते थे, छोटी सी जगह होने के बावजूद। इसी बीच जो है मेरा लेखन भी जारी रहा, और मुख्य रूप से 80 के दशक में जो मैंने लेखन किया, जो मैंने कविताएं लिखी, वो उसमें कई कविताएं बहुत चर्चित भी हुई। प्रगतिशील लेखक संघ का जो मुखपत्र पटना से प्रकाशित होना शुरू हुआ, तो उसमें मेरी कविता पेड़ का चयन किया गया। डॉक्टर नंद किशोर नवल ने मुझे इसकी सूचना दी, क्योंकि संपादक मंडल में खगेन ठाकुर, डॉक्टर नंद किशोर नवल और अरुण कमल, ये तीनों लोग थे कि मेरी पेड़ कविता का चयन किया गया है। उसकी स्मृति देखिए कि वो कविता जब छपी तो तमाम देश के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने, कवियों ने उसको पसंद किया, और प्रभाकर माचवे ने
उसका मराठी में अनुवाद किया। ये बात मुझे डॉक्टर नंद किशोर नवल ने मुलाकात होने पर बताया। तो 80 के दशक में एक ये बड़ी मेरी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। लगातार लेखन का ये सिलसिला जारी रहा और इप्टा से भी जुड़ाव रहा, तो मैं इप्टा के नाटकों में भी हिस्सा लेता। उस समय तो नुक्कड़ नाटकों का दौर था राजीव जी, और हम लोग नुक्कड़ नाटक डेरी ऑन सॉन्ग में करते रहे, जनगीत को गाते रहे। ये एक जो है सांस्कृतिक आंदोलन में एक सिपाही के तौर पर मेरी भूमिका रही। एक और मैं प्रसंगवश बोल रहा हूँ, बिहार इप्टा के अध्यक्ष भी थे और चर्चित नाटककार प्रचार रामेश्वर सिंह कश्यप, जिनको लोहा सिंह के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं, वो हमारे संगठन के अध्यक्ष रहे और मैं जिला का सचिव चुना गया था। और ये इस जिले में काफी कुछ हम लोगों ने किया 80 के दशक 90 के दशक तक करीब करीब। उसके बाद कई कारणों से जो है मेरा कुछ जो है वो लेखन भी अवरुद्ध हो गया, और कुछ मैं क्या कहा जाए, भोजपुरी की एक गीत की पंक्ति कहूंगा कि भूखवा के मार से विरहा विसरी के लिए भूल गए कजरी कभी। तो आदमी की आर्थिक परेशानियां हैं, जो आर्थिक जरूरतें हैं, घर गृहस्थी चलाना है, तो उसको प्राथमिक जिम्मेवारी है। मैं उसमें ज्यादा कुछ उलझ गया, इस कदर उलझा कि कुछ लेखन अवरुद्ध हो गया और कुछ अन्य जो साहित्यिक सांस्कृतिक मूर्ति पर जो मेरी गतिविधि थी वो थम सी गई। हमारे देश में, हमारे समाज में लेखन से जो लोगों का जुड़ाव होता है वो एक तरह का शौकियाई जुड़ाव रहता है, एक तरह का शौकियाई जुड़ाव वो रहता है, और इस जुड़ाव के साथ कुछ लोग जो हैं बहुत अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और कुछ लोग साधारण लेखक के तौर पर देखे जाते हैं, लेकिन सभी लोगों की भूमिका जो है वो समाज में महत्वपूर्ण है। लेखक जो है समाज में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा दायित्व जो है उसको वो निभाते हैं। और कुमार बिंदु जी ने हम लोगों को ये बताया है कि सन 1980 के आसपास में बहुत जोशो खरोश से लेखन, रंगकर्म और पत्र पत्रिकाओं से जुड़ाव, ये सब जो बातें हैं ये सब इनके भीतर वो उभर रही थी, लेकिन रोजी रोटी के संकट ने इनके सामने लेखन के संकट को भी जन्म दिया, और लेखन से लगभग ये बहुत लंबे समय तक इस वजह से दूर भी हो गए और जीविकोपार्जन के उपायों की तलाश में फिर इनका समय जो है वो व्यतीत हुआ, और हाल में कई सालों के बाद जाकर अब इनका काव्य संग्रह जो है वो प्रकाशित हुआ है। तो लेखन जो एक लेखक का सबसे प्रिय कार्य होता है, तो उससे ये जो दूरी बनती है तो वो उसकी अपनी एक अलग पीड़ा होती है लेखक की, लेकिन लेखक उस पीड़ा को भी झेलता है, और कुमार बिंदु जी का जो जीवन जो है वो इस बात को बहुत ही साफ साफ इस सच्चाई को प्रकट करता है कि साधारण तबके से आने वाले लोग जो हैं वो अपना पूरा समय लेखन को नहीं दे पाते हैं और जीवन यापन के दूसरे कार्यों में उनको संलग्न होना पड़ता है, जुटना पड़ता है, और स्वाभाविक रूप से इससे लेखन भी प्रभावित होता है, लेखन जो है प्रभावित होता है, बिल्कुल है ना। और जो साधन संपन्न तबके के जो लोग हैं तो वो अपना आराम से लेखन करते हैं, उनके सामने जीवन यापन का कोई संकट नहीं रहता है। खैर, ये सब सारी बातें अपनी जगह पर हैं, और हम लोग आज कुमार बिंदु जी से उनकी कविताएं सुनेंगे, और बहुत खुशी की बात है कि कुमार बिंदु जी ने लेखन के साथ जो उनकी प्रतिबद्धता है, आजन्म प्रतिबद्धता, उसको फिर से दोहराते हुए, प्रकट करते हुए इन्होंने अपनी नई पुरानी कविताओं का जो संग्रह है उसको इन्होंने प्रकाशित करवाया है या इनका प्रकाशन हुआ है इनके कविता संग्रह का। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, खुशी की बात है, और इनके काव्य संग्रह का नाम है साझे का संसार। बहुत बहुत आभार कुमार बिंदु जी आपके प्रति कि आपने अपने कविता संग्रह को दिखाया है सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, और मैं चाहता हूं कि आप अपनी कुछ सुंदर कविताओं का पाठ करें इस संग्रह से, और बहुत हम लोगों को खुशी होगी। राजू जी, आपने जो एक बात कही कि शौकिया जो है बेशक प्रारंभ में जो है एक ललक रहती है, शौक रहता है, आदमी लिखता है, लेकिन मेरा लेखन जो है
वो शौकिया नहीं रह गया, वो प्रतिबद्ध हो गया। और मैं एक जो समाज के अंदर परिवर्तनकारी धारा रही है, मैं उसके से जुड़ा रहा सांस्कृतिक मोर्चे पे, खासतौर से साहित्यिक मोर्चे पे भी। तो वो मेरा जो लेखन है, मेरी जो कविताएं हैं, वो उस आंदोलन को की उपज और अभिव्यक्ति है। और प्रतिबद्ध मेरा जो लेखन है वो प्रतिबद्ध एक साहित्यकर्मी का लेखन है, एक सिपाही का लेखन है। मैं अपने आप को सिपाही मानता हूँ कि मैं प्रसिद्ध आंदोलन का एक सिपाही हूँ। और एक सिपाही की जो भूमिका हो सकती है, मेरे हाथ में जो है, सीमा पे जो सिपाही होते हैं उनके हाथों में अग्निअस्त्र होते हैं, हथियार होते हैं, और मेरे हाथों में कलम है। तो कविताएं ही मेरी जो है वो सब कुछ है। तो उन कविताओं के माध्यम से मैंने एक आंदोलनकारी की भूमिका निभाई है। वो तो आने वाला समय उसकी समीक्षा करेगा कि किस रूप में हुआ, लेकिन मुझे गौरव इस बात का है कि जिस धारा के साथ कैफी आजमी, भीष्म साहनी जैसी हस्तियां जुड़ी रही, मैं उसी धारा में उनके साथ दो कदम चला। डेहरी ऑनसन में 85 में भीष्म साहनी भी आए, उनके साथ गुलाम रबानी ताबा भी थे, अब्दुल बिस्मिल्ला जो चर्चित कथाकार रहे वो भी आए, और गोष्ठी वगैरह हुई। तो ये एक डेहरी में एक सांस्कृतिक जो आंदोलन का माहौल बनाने का प्रयास हम लोगों ने किया, और एक योद्धा की तरह मैं हम लोगों ने इस काम को किया। तो मेरा जो लेखन है राजू जी, वो शौकिया लेखन नहीं है। निसंदेह प्रारंभ में कुछ ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे उसका रूपांतरण होता चला गया। देखिए, शौक से मेरा आशय कुछ भिन्न आशय को लेकर के मैं, शौक से मेरा आशय प्रेम से है। किसी भी चीज का शौक जब हमें होता है ना बिंदु जी, तो उसके मूल में उस काम से या उस चीज से जो हमारा लगाव है, तो वो प्रेम को ही प्रकट करता है। और मैं मानता हूं कि चाहे वो प्रतिबद्ध लेखक हो, चाहे वो गैर प्रतिबद्ध लेखक हो, प्रतिबद्ध लेखक समाज संस्कृति के कुछ प्रसंगों को लेकर के अपने संघर्ष के साथ वो प्रतिबद्धता के भाव को प्रकट करते हैं। और शौकियाई तौर पर जो एक दूसरा अर्थ जो इस शब्द का निकलता है, वो ये निकलता है कि लेखन हम कर रहे हैं तो इससे हमारा कोई व्यावसायिक सरोकार नहीं है, ये हमारा एक शौक है, एक व्यक्तिगत मतलब आनंद की और संलग्नता की ये कोई चीज है। तो ये चीज जो है वो प्रतिबद्ध लेखकों के साथ के भीतर भी होती है। सबसे पहले तो उनको एक शौक होता है, एक प्रेम होता है, एक लगाव होता है जीवन के कुछ मुद्दों को लेकर के, कुछ प्रसंगों को लेकर के, और उससे उसके साथ वो संघर्ष के पथ पर भी आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो शौकियाई शब्द को हिंदी में जिस तरह से लिया जाता है, तो उस तरह से इसको नहीं लिया जाए। जितने सारे लेखक हैं, चाहे वो बड़े लेखक हों चाहे वो छोटे लेखक हों, सभी लोग लेखन जो है वो शौक से करते हैं। उनको खुशी होती है इस बात की कि वो किसी चीज का सृजन कर रहे हैं, किसी चीज की रचना कर रहे हैं, भाव विचार की रचना कर रहे हैं, भाषा में एक विशिष्ट अनुभूति को, संवेदना को समेट रहे हैं। तो समाज के साथ बदलाव की प्रक्रिया में संभव है कि कुछ साहित्य जो है वो उतना महत्वपूर्ण प्रासंगिकता को, उतनी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता को सामने उजागर नहीं करे, कोई साहित्य जो है वो उसी चीज को स्पष्ट करे कि मेरी सारी कविताएं किसी रचनाकार की जो है वो परिवर्तन के आग्रह को लेकर लिखी गई है, परिवर्तन के आह्वान को लेकर लिखी गई है। तो प्रगतिशील लेखक संघ हो, चाहे जनवादी लेखक संघ हो, चाहे वो जन संस्कृति मंच से जुड़े हुए जो लेखक हैं, तो इन सभी लेखकों ने प्रतिबद्धता को बहुत सर्वोपरि स्थान दिया और ये बताया कि हमारी जो वैचारिक दृष्टि है लेखन को लेकर करके, उससे भिन्न दृष्टि रखने वाले लेखक जो हैं उनका समाज के साथ में कोई सरोकार नहीं है। तो ये सब बहुत गहन विचार विमर्श का विषय बन जाती हैं। आपने जो लेखन किया डेहरी में, जो आपने माहौल बनाया, तो वो एक रचनात्मक काम ही था आप सब लोगों का। और आप लोगों ने उस समय के जो सवाल थे, किसान मजदूरों के जीवन से जुड़े हुए सवाल, चाहे सांप्रदायिकता के सवाल हों, चाहे भारत की राष्ट्रीयता के सवाल हों, सामाजिक बदलाव के, उत्पीड़न के, नारी जागरण के प्रसंग हो, तो इन सब विषयों को लेकर के आपने जो कविताएं लिखी, जो नाटक आपने
रचे खेले प्रस्तुत किए, तो वो सब काम जो है वो समाज को बदलने से और उसमें नया बदलाव लाने से जुड़ा हुआ ही ये कार्यक्रम सब रहा था, और इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आपका जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और हम चाहते हैं कि आप अपनी कुछ कविताएं जो हैं वो प्रस्तुत करें, और जो संग्रह आपका है इससे कुछ कविताएं आप अपनी सुनाएं। राजू जी, आपने प्रेम को लेकर बहुत अच्छी बात कही, और मैं मेरा जो काव्य संकलन है साझे का संसार, उसमें आप पढ़ेंगे तो उसमें प्रेम बड़ी ही प्रमुखता से उभर के आया है, और मैं प्रेम को बहुत हल्के में लेता भी नहीं हूँ। और आप प्रेम जैसे कि वो कहा जाए कि फैज अहमद फैज की रचनाओं को देखें हम, तो वहाँ प्रेम भी है और क्रांति भी है, दोनों चीज शामिल है। तो मेरी भी कविताओं को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वो प्रेम रस में रसी रची पगी हैं, लेकिन वो प्रेम जो है प्रेमिका को विस्तर पर नहीं ले जाता है, वह समाज बदलने के, समाज को बेहतर बनाने के जो कार्य समर भूमि है वहां ले जाता है, मुझे भी और उसको भी। तो प्रेम को बिल्कुल ही एक अलग कैनवास में मैंने देखा और पेश किया है, और मेरी इसीलिए मेरी कविताओं को बहुत लोगों ने पसंद किया, क्योंकि एक नए अंदाज से की वो कविताएं लोगों को लगी हैं। तो सबसे पहले तो आपके आग्रह पर मैं जो है ये, अच्छा हाँ, मैं आज सबसे पहले ये कह दूं, आभार प्रकट करना चाहूँगा कि मेरा जो ये संकलन है प्रथम संकलन, हालांकि इसके पहले एक संकलन आया था जिसमें संजय कुंदन, कुमार अनिल, अमिता और मतलब बिहार के 10 युवा कवि थे, ये 80 के दशक में ही ये संकलन आया था, आसपास की पूरी दुनिया, उसमें मेरी 10 कविताएं शामिल हुई थी, और उसमें काफी मुझे सराहा गया था। उस संकलन का सबसे परिपक्व और बेहतर कवि के रूप में मेरी गणना हुई थी मुकेश प्रत्यूष, उस समय जो आज चर्चित कवि और समालोचक हैं, उस टाइम के वो साहित्य संपादक थे, और उन्होंने उसका रिव्यू लिखा था, समीक्षा लिखी थी, और उसमें मेरी जो है लेखन को, मेरी कविताओं को उन्होंने काफी सराहा था, मैं उनके प्रति भी आज आभार प्रकट करता हूँ। इस काव्य संकलन का ब्लर्ब जो है वो हिंदुस्तान के सशस्त्र कवि मेरे अग्रज अरुण कमल जी ने लिखा है, और पाठक मेरी कविताओं को उन्होंने कुछ अलग ढंग से रेखांकित भी किया है। वो कविता सुनाना चाहूंगा जो जिसके आधार पर, जिस कविता के आधार पर ये इस संकलन का नाम है साझे का संग। मैं वो शब्द तलाश रहा हूँ जो प्रेम का बीज मंत्र बन सके, मैं वो गीत तलाश रहा हूँ जिसे दिल नितांत अकेले में गुनगुना सके, मैं वो सपने तलाश रहा हूँ जो हम जैसे अनगिनत लोगों की आंखों में प्रेम प्रेम पुष्प खिला सके। क्या कविता का शीर्षक है साझेदारी। मैं वो शब्द तलाश रहा हूँ जो प्रेम का बीज मंत्र बन सके, मैं वो गीत तलाश रहा हूँ जिसे दिल अकेले में गुनगुना सके, मैं वो सपने तलाश रहा हूँ जो हम जैसे अनगिनत लोगों की आंखों में प्रेम पुष्प खिला सके, मैं वो कविता तलाश रहा हूँ जो गांव घर से बदर हुए विदेशिया को, जो मुल्क से बदर हुए फिलिस्तीनियों को, नस्ल भेद के शिकार हुए काले हफ्सियों को, इनको उनको सबको ये बता सके कि हम सबका दुख एक है, हम सबका संघर्ष एक है, तुम्हारा दुख सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा दर्द सिर्फ तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी हार भी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी जीत भी सिर्फ तुम्हारी नहीं है, साझे का दुख है, साझे का संघर्ष है, साझे की खेती है, साझे का जीवन है, साझे का संसार है। ये मेरे काव्य संकलन का प्रथम कविता है। राजू जी, मैं एक जो कविता, दूसरी कविता जो सुनाने जा रहा हूँ, औरत पे केंद्रित है वो, और पटना के हमारे मित्र हैं अरुण कुमार, उन्होंने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है, उन्होंने कई विदेशी कवियों की कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया है, और मेरी इस कविता का उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। हालांकि अभी हाल फिलहाल में वयोवृद्ध साहित्यकार जगदीश नलिन जी ने भी मेरी कविता हमारी बिटिया
का भी उन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया है, वो एक संकलन विशेष की तैयारी कर रहे हैं जो बेटियों पर केंद्रित वो हो। तो मेरी दूसरी कविता मैं आपको सुनाना चाहूंगा, औरत। औरत की देह संप्रभुता विहीन एक देश है, औरत की देह संप्रभुता विहीन एक देश है, राजनीति शास्त्र के शब्दों में एक उपनिवेश है, जो सदियों से करती है ये उद्घोष, मोरी देहिया बलम की जमींदारी रे, काहे डारे नजर दुनिया सारी। औरत का रूप सौंदर्य कोमल काया, किसी के लिए भोग विलास की वस्तु तो किसी के लिए महाठगनी माया, वो भोग और जोग के चक्रव्यूह में फंसी है, मेनका और दुर्गा की परिभाषा में बंधी है। इसलिए औरत की आजादी का अर्थ उसकी देह की संप्रभुता है। औरत की देह संप्रभुता विहीन एक देश है, राजनीति शास्त्र के शब्दों में एक उपनिवेश है, जो सदियों से करती है ये उद्घोष, मोरी देहिया बलम की जमींदारी रे, काहे डारे नजर दुनिया सारी रे। औरत का रूप सौंदर्य कोमल काया, किसी के लिए भोग विलास की वस्तु तो किसी के लिए महाठगनी माया, वो भोग और जोग के चक्रव्यूह में फंसी है, मेनका और दुर्गा की परिभाषा में बंधी है। इसलिए औरत की आजादी का अर्थ उसकी देह की संप्रभुता है। औरत की देह, औरत की देह हुस्न की तहजीब है, और राह का एक दरिया भी, जिसमें डूब जाती है रिश्तों की कश्ती, तैरती है सिर्फ इश्क की नाव। औरत की देह हुस्न की तहजीब है, और राह का एक दरिया भी, जिसमें डूब जाती है रिश्तों की कश्ती, तैरती है सिर्फ इश्क की नाव। औरत की देह इश्क की दरगाह है, औरत की देह इश्क की दरगाह है, जहां खामोशी से कोई दरवेश महबूब को देता है आवाज, वो बिना हरकों की अदा करता है नमाज, बिना शब्दों की करता है प्रार्थना, बिना किसी ख्वाहिश की करता है दुआ। औरत की देह इश्क में बन जाती है पाक की कुरान आयतें, वेद की पवित्र ऋचाएं, सच्चे हिंदू के लिए काशी, सच्चे मुसलमान के लिए काबा, मगर मन तो व्यापारी, मगर मन तो व्यापारी है, तन का कारोबारी है, सुख का सौदागर है, उसके लिए देह और दुनिया एक मंडी है। इसलिए औरत की आजादी का मतलब महाजी सभ्यता की चेतना से मुक्ति है। ये कविता रही राजू जी मेरी। अरविंद जी की कविताओं में जो हमारे समाज की विडंबनाएं हैं मानवीय धरातल पर, सामाजिक धरातल पर, तो इन कविताओं में उन विडंबनाओं को देखने और जानने का एक यत्न, एक कोशिश समाहित है बहुत ही प्रमुखता से। और वर्ग भेद की जो भी समता है समाज में, चाहे वो महिलाओं का तबका हो शोषित और उत्पीड़ित तबके के रूप में, चाहे जाति व्यवस्था और नरवर्ण व्यवस्था के दुष्चक्र में समाज में जीवन को जीने वाले लोग हों, या फिर हमारे समाज में जो आधुनिक व्यवस्था की जो विडंबनाएं हैं, जो हमारा लोकतांत्रिक समाज है, इस लोकतांत्रिक समाज में जो अंतर्विरोध दिखाई दे रहे हैं, कवि जो के रूप में कुमार बिंदु जी ने इन सब प्रसंगों को अपनी कविताओं का विषय बनाया है, और इन्हें बहुत निकट से प्रेरणा मिलती रही है प्रगतिशील चेतना के साहित्य से। शुरू में तो ये नाना प्रकार के विकी विचारधाराओं को जानने और समझने की कोशिश में लगे रहे। एक बार उन्होंने मुझे ये बताया कि डेहरी ऑनसन के पाली रोड में आरएसएस का भी मैं प्रचारक बना। कुछ दिनों तक मैं आरएसएस के प्रचारक के रूप में मैंने काम किया, और फिर बाद में मैं वामपंथी विचारों की ओर आकृष्ट हुआ, और फिर मैं प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्यों में हूँ। रोहतास जिले में जो इसकी इकाई गठित हुई, जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ के तमाम बड़े बड़े लेखक, चाहे वो कैफी आजमी हो, चाहे वो विश्व साहनी हो, इन सब का डेहरी ऑनसोन में आगमन हुआ। तो फिर बाद में ये वामपंथी विचारों की ओर भी मुड़े, और प्रगतिशील जीवन चेतना इनकी मूल जीवन चेतना के रूप में आज भी इनके साथ में है। और इन्होंने जो कविताएं सुनाई हैं, दो कविताएं, उनमें पहली कविता में इन्होंने साझे का संसार, सबके साथ संघर्ष से जुड़े हुए जो लोग हैं, संघर्ष के साथ ही, पथ के साथ ही, सबके साथ उन्होंने प्रतिबद्धता के भाव को प्रकट किया है, प्रेम के भाव को प्रकट किया है, और ये कहना चाहा है कि प्रेम ही जो है वो हमारे काव्य का मूल स्वर है। और दूसरी कविता में इन्होंने स्त्री जीवन की जो पीड़ा है, जो उसका अभिशाप है, तो उससे संवाद करते हुए दिखाई दे रहे थे। कुमार
बिंदु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके प्रति आभार कि आपसे दो सुंदर कविताएं हम लोगों को सुनने को मिली, और हम चाहेंगे कि आप अपना काव्य पाठ का जो सिलसिला है वो जारी रखें और अपनी दूसरी कविताओं को सुनाएं। जो मैंने अभी हाल फिलहाल में लिखी है, मेरी हथेली पर हवा, मेरी हथेली जी खाली नहीं है, मेरी हथेली पर चुप सी बैठी है हवा, मेरी हथेली खाली नहीं है, मेरी हथेली पर चुप सी बैठी है हवा, और मेरी हथेली पर हवा, मेरी हाँ हथेली सुनाइए। खाली नहीं है, मेरी हथेली पर चुप सी बैठी है हवा, मेरी हथेली खाली नहीं है, मेरी हथेली पर चुप सी बैठी है हवा, हवा भी चुप नहीं जी, हवा हवा भी चुप नहीं है, मन में कुछ गुन रही है, मन में कुछ धुन रही है, मन में कुछ चुन रही है, मन में कुछ गुन रही है, मेरी हथेली पर चुप सी बैठी है हवा, मेरी हथेली पर चुप सी दिख रही है हवा, कहीं बनारस तो घूम कर नहीं आई है हवा, कहीं बनारस घूम कर तो नहीं आई है हवा, बनारस में अब कबीर कहाँ, बनारस में अब रैदास कहाँ, बनारस में अब बिस्मिल्ला खान कहाँ, बनारस भी तो अब बनारस कहाँ रहा, वह तो अब अयोध्या बन गया है, जहाँ हर हर महादेव का नारा जय श्री राम में तब्दील हो गया है, इसलिए मेरी हथेली पर चुप सी नहीं बैठी है हवा, वो मन में कुछ गुन रही है, वो मन में कुछ धुन रही है, वो मन में कुछ बुन रही है, वो मन में कुछ चुन रही है, मेरी हथेली पर चुप सी नहीं बैठी है हवा। ये एक कविता है, वाह वाह बहुत एक सुंदर। कविता छोटी सी कविता मैं सुनाना चाहूंगा, गुलाम अली को संबोधित करके मैंने लिखी है, बहुत जी पहले जी जब मुंबई में गुलाम अली आना चाहते थे अपने कार्यक्रम को पेश करने के लिए, तो उसका विरोध हुआ, तो उसके बाद मैंने वो कविता लिखी, छोटी सी कविता है, शायद हमारे पाठकों को हमारे व्यूवर्स को पसंद आए। एक सवाल है, शीर्षक है उस कविता का कि ऐसा क्यों हुआ, और ये हाँ सुनाइए सवाल सुनाइए। गुलाम अली से मैंने किया है कि जी, वो कविता है, शुरू होती है कि गुलाम अली तुम्हारी गाई हुई गजलों का कैसेट कल घंटों सुनता रहा, गुलाम अली तुम्हारी गाई हुई गजलों का कैसेट कल घंटों सुनता रहा और मुग्ध होता रहा तुम्हारी गायन कला पर, उस घड़ी अपनी समस्त चिंताओं को भूल तुम्हारे जादुई सप्त स्वर के आरोह अवरोह के साथ डूबता उतराता रहा मैं सुर सागर में, गुलाम अली तुम्हारी गाई हुई गजलों का कैसेट कल घंटों सुनता रहा और मुग्ध होता रहा तुम्हारी गायन कला पर, उस घड़ी अपनी समस्त चिंताओं को भूल तुम्हारे जादुई सप्त स्वर के आरोह अवरोह के साथ डूबता उतराता रहा मैं सुर सागर में, किंतु किसी क्षण यह ख्याल नहीं आया कि तुम उस मुल्क के वासी हो जो मेरे देश पे बार बार करता है फौजी हमला, रचता है निस्दिन नई नई साजिशें, और तो और मेरा हिंदू मन भी चुप रहा, और तो और मेरा हिंदू मन भी चुप रहा, उसने यह नहीं कहा अरे मूर्ख तुम मुग्ध है जिसके गायन पर, वो विधर्मी है मलेच्छ है मलेच्छ, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, मैं नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, क्या तुम बता सकते हो गुलाम अली। एक कविता मैं और सुनाना चाहूंगा आपको, मेरा मछेरा मन एक जाल बुन रहा है, उस जाल में सोन मछली नहीं, भोर में पूर्वी क्षितिज पर उगने वाले लाल सूरज को फांसना चाहता है, मेरा मछेरा मन एक जाल बुन रहा है, उस जाल में सोन मछली नहीं, भोर में पूर्वी क्षितिज पर उगने वाले लाल सूरज को फांसना चाहता है, क्योंकि मेरा प्रेमी मछेरा मन उसे तुम्हारे माथे की टिकुली बनाना चाहता है, उसे तुम्हारे माथे पर सुहाग बिंदिया सा सजाना चाहता है, ताकि तुम्हारा मुखड़ा भी दम 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 के, ताकि हमारा झोपड़ा भी चम चम चमके, मेरा मछेरा मन आकाश गंगा में जाल फेंक कर चांद को भी अपने जाल में फांस कर उसका झुमका बनवाना चाहता है तुम्हारे लिए। यह कविता अपनी प्रेसी पत्नी को के लिए संबोधित करके है कि मेरा मछेरा मन आकाश गंगा में जाल फेंक कर चांद को भी अपने जाल में फांस कर उसका झुमका बनवाना चाहता है तुम्हारे लिए, ताकि हमारे घर आंगन में दिन रात डोलता रहे चांद, ताकि हमारे तन मन में प्रेम ज्योत जगाता रहे चांद, मेरा मछेरा मन पूरी दुनिया के लोगों को
अपनी जाति में शामिल करना चाहता है, उनको भी बनाना चाहता है मछेरा, ताकि हर कोई अपनी प्रेसी के लिए, ताकि हर कोई अपनी पत्नी के लिए सुनहरे चांद का झुमका बना सके, लाल सूरज का टिकली बना सके। ये कविता रही मेरा मछेरा मन। मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, हाँ मुझे धरती का एक टुकड़ा जरूर चाहिए जहां मैं अपने बाल बच्चों के साथ रह सकूं। मुझे आकाश में चमकता दमकता सूरज भी चाहिए ताकि मेरे घर में हो सके उजाला। हाँ मुझे चांद भी चाहिए ताकि उसकी हाँ मुझे चांद भी चाहिए ताकि उसकी जादुई रोशनी में मैं अपनी प्रेसी की आंखों में पढ़ सकूं प्रेम का ढांचा। मुझे ईश्वर की जरूरत नहीं है, हाँ मुझे धरती का एक टुकड़ा जरूर चाहिए जहां मैं अपने बाल बच्चों के साथ रह सकूं। मुझे आकाश में चमकता दमकता सूरज भी चाहिए ताकि मेरे घर में हो सके उजाला। हाँ मुझे चांद भी चाहिए ताकि उसकी जादुई रोशनी में मैं अपनी प्रेसी की आंखों में पढ़ सकूं प्रेम का ढाई आखर। और कभी आंगन तो कभी छत पर खाट पर लेटकर दोनों टांगे पसार कर आकाश मार्ग से कहीं जा रहे चांद से बातें करूं, उससे ये सवाल करूं वो कुछ बोलता क्यों नहीं, सितारों के बीच चुपचाप रहता है क्यों। मैं चांद से ये भी पूछूंगा रात में सोई हुई नदी की देह के आकर्षक कटी प्रदेश के आसपास उसका प्रतिबिंब डोलता है क्यों। मुझे धरती सूरज और चांद के अलावा हवा पानी आग और रोटी भी चाहिए। मैं इस दुनिया में ईश्वर के बिना भी जी सकता हूँ मगर सूरज चांद धरती आग पानी हवा और रोटी के बगैर नहीं जी सकता। सच तो यह है कि मैं ईश्वर को बिल्कुल ही पसंद नहीं करता। क्योंकि उसके पृथ्वीवासी प्रवक्ता या घोषणा करते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं डोलता। उनके इस ईश्वरीय घोषणा पत्र से हिटलर शाही की आती है दुर्गंध। इसलिए ईश्वर शब्द सुनकर ही मुझे आने लगती है उबकाई। मुझे हिटलर शाही पसंद नहीं, मुझे तानाशाही बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए मैं अपनी प्यारी दुनिया को ईश्वर विहीन देखना चाहता हूँ। कविता जो परिकथा में छपी दिल्ली से जो प्रकाशित होती है और उसे मेरे साहित्यिक मित्रों ने बहुत पसंद किया। अन्य कई लोगों ने मुझे फोन करके जो मेरे लिए बिल्कुल नितांत अपरिचित थे उन लोगों ने फोन करके मुझे बधाई दी और कहा कि भाई आपने बहुत अच्छी कविता लिखी है और उसका शीर्षक है पुटली। जो शहर के एक फ्लैट से गुम हो गई है एक छोटी सी पुटली, उस फ्लैट में रहने वाली एक बुढ़िया अपने बेटा बहू के बुलावे पर जब गांव से आई थी शहर तब कांख में दबाकर लाई थी वह छोटी सी पुटली। कभी कभी जब उसके बेटा बहू चले जाते ड्यूटी, पोता पोती भी चले जाते स्कूल, तब घर में अकेली बैठी बुढ़िया हौले हौले खोलती अपनी पोटली। पोटली के खुलते गांव घर में तब्दील हो जाता शहर का अत्याधुनिक रिहायशी फ्लैट। हवा में घुलने लगते झूमर के शब्द स्वर, गांव की औरतें झूमर पारते हुए गाने लगती, निमिया के पत्ता झरी जाला आंगनवा कैसे बुहारू जी, उहेरे आंगन में ससुर जी के डेरा भूग काढ़त दिन जाला अंगनवा कैसे बुहारू जी, उहेरे आंगन में देवर जी के डेरा चौल करत दिन जाला अंगनवा कैसे बुहारू जी। बुढ़िया उस पोटली को विरासत के रूप में पुरखों की अनमोल खाती को सौंप देना चाहती थी बहू को, अपनी प्यारी दुलारी पोती को, मगर शहर की आबो हवा में पली सियानी बहू को कमसीन पोती को उस पोटली को देखकर आती थी घीन। जीवन के हाशिए पर घिसट कर जी रही बुढ़िया जब एक दिन हाशिए से सरक कर शून्य में हो गई विलीन तब उसकी पोती भी हो गई कहीं गुम। ये छोटी सी कविता है। आपने एक मेरी और कविता मैं सुनाना चाहूंगा जिसका शीर्षक है आवारा गर्दी, शायद आप सबको बहुत पसंद आए। इसमें लिखा है चलो फिर हम शहर की सड़कों पर निरुद्देश्य घूमे, चलो आज फिर हम शहर की सड़कों पर निरुद्देश्य घूमे, अनजानी गलियों में घुसकर भूले भटके,
चलो आज फिर हम सड़क पर पड़े किसी कंकड़, खाली टीन के डब्बे या प्लास्टिक की बोतल को जूते की नोक से ठोकर मारें। चलो आज फिर हम रोड पर पैदल चल रहे गरीबों के अगल बगल से लग्जरी कार में बैठकर आते जाते अमीरजादों को जी भर कर दे गालियां और आ भर कर बद्दुआ। चलो आज फिर हम किसी पार्क में चलकर नन्हे पांवों से आसमान की ओर बॉल उछाल रहे किसी बच्चे से उसकी गेंद झपट लें और फिरौती में उसके दोनों गालों की चूड़ी मांगे। चलो आज फिर हम किसी पार्क में चलकर नन्हे पांवों से आसमान की ओर बॉल उछाल रहे किसी बच्चे से उसकी गेंद झपट लें और फिरौती में उसके दोनों गालों की चूड़ी मांगे। चलो आज फिर हम किसी खूबसूरत औरत का दूर तक पीछा करें, उसके हुस्न की तारीफ में कोई फिल्मी गीत जोर जोर से गाएं। चलो आज फिर हम रूटीन वाली जिंदगी को भूलकर मनमानी करें, दिन में सोए और रात में जगे, छत पर चढ़कर चांद से उल्टे सीधे कुछ सवाल करें। चलो आज हम तुम अपने दिमाग पर लादे नैतिकता और सच्चरित्रता के भारी लबादे को उतार कर थोड़ा अनैतिक और चरित्रहीन बनकर कुछ देर आवारा गर्दी करें। चुचले बाज शरीफ लोगों से, सठियाए बूढ़े बुजुर्गों से, नैतिकता का ढोंग रचने वालों से, शहर की सभ्रांत और सुंदर महिलाओं से लुचे लफंगे आवारा बदमाश की मानद उपाधियां प्राप्त करें। एक कविता मेरी ये भी है। एक चीज और मैं लिख, छोटी सी कविता मेरी है। आदिवासियों में एक परंपरा है, अगर कोई पेड़ विकसित नहीं हो पाता है तो वो जो आदिवासी परिवार की जो सुंदर युवती होती है वो उस पेड़ के पास जाती है और उसको बाहों में भरती है। आदिवासियों का यह विश्वास है कि उसके बाद वह पेड़ विकसित होता है और फलने फूलने लगता है। ये एक परंपरा है और जो है ये काफी चर्चित रहा है आदिवासियों में। इसी परंपरा को ध्यान में रख करके मैंने एक कविता लिखी है, छोटी सी कविता है, प्रेम छुवन। एक आदिवासी औरत एक दिन एक पेड़ के पास जाकर उसे कुछ पल मौन अपलक निहारती है। एक आदिवासी औरत एक दिन एक पेड़ के पास जाकर उसे कुछ पल मौन अपलक निहारती है, फिर हुलस कर उसे अखबारी में भर लेती है, फिर उसके तने पर टिका देती है अपना सिर, जैसे उसके पूर्व जन्म का बिछड़ा प्रेमी हो वह पेड़। औरत के प्रेम भरे छुवन से, उसके स्नेहिल स्पर्श से, उसके जादुई संसर्ग से जुड़ा जाता है युवा पेड़ का हृदय। तब वह खिलता है, तब वह पनपता है, फिर स्नेह स्नेह बन जाता है एक विराट फलदार वृक्ष। एक छोटी सी तुम आओगे तो यह उदास शाम भी हैज की गजल में तब्दील हो जाएगी। तुम आओगे तो यह उदास शाम भी हैज की गजल में तब्दील हो जाएगी। हवा में घुल कर फरीदा खानम की दिलकश आवाज मखमली स्वर में नज्म गुनगुनाएगी। आज जाने की जिद न करो, तुम आओगे तो उदास चांद के चेहरे पर भी आ जाएगा नूर। तुम आओगे तो उदास चांद के चेहरे पर भी आ जाएगा नूर। थोड़ी देर के लिए ही सही यह दुनिया अपने सारे दुख भूल जाएगी। थोड़े देर के लिए ही सही यह दुनिया अपने सारे दुख भूल जाएगी। अपने अपने मुल्क की सरहदों पर तैनात फौजियों को भी याद आएंगी उनकी प्रेमिकाएं। अपने अपने मुल्क की सरहदों पर तैनात फौजियों को भी याद आएंगी उनकी प्रेमिकाएं। कुछ देर के लिए ही सही गुम हो जाएंगी मुल्कों की सरहदें और दोनों पड़ोसी देशों के जवान एक दूसरे को दिखाएंगे अपनी अपनी प्रेमिकाओं की तस्वीर। एक दूसरे को सुनाएंगे गुदगुदाने वाली अपनी प्रेम कहानियां। फिर वो शिद्दत से महसूस करेंगे युद्ध की निरर्थकता, प्रेम की सार्थकता। ये एक छोटी सी कविता थी मेरी जी। और अभी मैं हारा नहीं हूं, यह सच है कि मैं एक युद्ध जरूर हार गया हूं तुमसे और कुछ समय के लिए बन गया हूं तुम्हारा राजनीतिक बंदी। थोड़ा सा विवश हो गया हूं तुम्हारा हुक्म मानने के लिए, तुम्हारा जुर्म सहने के लिए। मेरे पुरखे कहते थे मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह सच है कि मैं युद्ध में हार गया हूं तुमसे, मगर मैं मन से हारा नहीं हूं। मैं तो इस धरती का आदिम योद्धा हूं, अपने अस्तित्व के लिए करता रहा हूं
पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकृति से संघर्ष, रोटी के लिए, पानी के लिए, जीवन के लिए जो आग जलाती थी मुझे, जो आग डराती थी मुझे, एक दिन मैंने उसे भी जीत लिया, अपना सुरक्षा कवच बना लिया। मैंने खूब अपने खून पसीने बहाए, मैंने अपने खूब खून पसीने बहाए, गुफाओं से निकलकर गांव बसाए, कभी पत्थर तो कभी लोहे के हथियार बनाए, सोन से सिंध तक सभ्यता के नौ प्रसाद सल जाए। मैं जानता हूं तुम नफरत के नायक, मैं जानता हूं तुम नफरत के नायक, जन के हृदय में घृणा द्वेष के बीज बोते हो, मगर हमने खिलाए हैं हमेशा आग में फूल। तुमने सुकरात को जहर दिया, ईसा को सलीब पर लटकाया, हुसैन को करबला में कत्ल किया, अहिंसा के पुजारी के गांधी की भी तूने गोली मारकर कर दी हत्या। तुम अहिंसा के, खल्क और खुलूस के, खुदा के सभी नेक बंदों के दुश्मन हो, हत्यारे हो। तुम्हें याद है वो दिन जब जर्मनी में श्रेष्ठ आदमियों को जीत गाए थे, जब जर्मनी में श्रेष्ठ आज नस्ल के गीत गाए थे, राष्ट्रवाद के मंत्र से युवाओं को खूब भरमाए थे, सत्ता के हवस में तुम मौत के सौदागर बने, कहीं हिटलर कहीं मुसोलिनी कहीं तोजो बने, फिर भी नहीं थमा जिंदगी का सिलसिला, आगे बढ़ता रहा मोहब्बत का हसी कारवां। तुम भूल गए हो नायक यह सस श्यामला भारत भूमि, अहिंसा के पुजारी महात्मा बुद्ध की, सामाजिक न्याय के इस महाभारत में वीर अभिमनु का वध करके तुम यह जंग जीते नहीं हो, और मैं भी युद्ध नहीं हूँ, अभी समर शेष है दुर्योधन, अभी समर शेष है दुशासन। ये कविता रही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक वो कविता, मैं पेड़ नहीं जानता किसने उसको रोपा, किसने उसको सींचा, किसने उसको पाला पोसा, किसने उसकी रखवाली की। पेड़ नहीं जानता किसने उसको रोपा, किसने उसको सींचा, किसने उसको पाला पोसा, किसने उसकी रखवाली की, हिंसक तत्वों से, वनैले जीवों से। पेड़ नहीं जानता, पेड़ नहीं जानता उसका कोई मालिक भी है, पेड़ नहीं जानता उसका कोई मालिक भी है, जिसके लिए पूरी दुनिया मंडी के सिवा और कुछ पेड़ और कुछ भी नहीं, जो पेड़ को पेड़ नहीं मंडी का माल समझता है। पेड़ नहीं जानता उसका कोई मालिक भी है, जिसके लिए पूरी दुनिया मंडी के सिवा और कुछ भी नहीं, जो पेड़ को पेड़ नहीं मंडी का माल समझता है। पेड़ नहीं जानता, पेड़ आज कुछ भी नहीं जानता, लेकिन क्या होगा उस दिन जब सब कुछ जान पाएगा पेड़। ये छोटी सी कविता थी जिसका प्रभाकर माचवे ने मराठी में अनुवाद किया था 80 के दशक में।